सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हे माइन ग्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत। अभी घड़ी में बज रहे हैं 7 और मैंने मशीन लगा दी है और नहा भी लिया है। उसके बाद अब मैं अपना अंजीर और किशमिश का पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं गोसाई जी के लिए लंच बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर गोसाई जी सो रहे हैं। ये रहा मेरा अंजीर और किशमिश का पानी, तो पहले इसे पी लेते हैं। उन लोगों को देखो, छोटे बच्चों गुड मॉर्निंग, छोटे बच्चों गुड मॉर्निंग, छोटे बच्चों गुड मॉर्निंग, छोटे बच्चों गुड मॉर्निंग। इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई गाइस। ये देखो, अब मैं गेट खोलूँगा, देखना एक एक करके खुद भी बाहर आएंगे। तो गाइस, अंजीर और किशमिश के बाद ये है मेरे चिया सीड्स, इनका भी मैं पानी पीऊँगी। ये मेरे चिया सीड्स है, ये मेरा मटके का पानी। तो गाइस, मशीन में कपड़े जो मैंने डाले थे उनको वॉश होने के बाद उन्हें मैंने ड्रेन करने के लिए डाल रही हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, मतलब अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अब लगा लो 7 बजे इतनी गर्मी हो रही है, तो अभी तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है। आज का टेम्परेचर 43 दिखा रहा है तो, और बारिश भी दिखा रहा है, बारिश भी होगी टेम्परेचर भी हाई होगा, भगवान जाने। और इतने कपड़े हैं ना, सारे घर के कपड़े धोने थे, क्योंकि कुछ बात है मतलब, इसलिए सारे बेडशीट सब सोफ़ा कवर सब धो डाले मैंने, कर्टन्स वगैरह। तो सुबह 5 बजे से कपड़े धोने लगी थी मैं, 9 बज गए थे मुझे कपड़े धोते धोते, 9 बजे मतलब पूरे कपड़े धुल गए थे मेरे। वापस मैं बैक हो गई क्योंकि मुझसे पर्दा उतारा नहीं गया। फिर वहाँ पे गोसाई जी सोए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि पर्दा उतार दो, मुझे धोना है, बस पर्दा उतार दो फिर सो जाना चाहे। तो गोसाई जी मान गए थे, गोसाई जी उठ के पर्दा उतारने आ गए थे।
आज बरवा बैगन, ये देखिए छोटे छोटे बैगन हैं, और आपको अच्छे से बताऊंगी। पहले मैंने बीच में से अच्छे से इस तरीके से कट कर लिया मैंने, देखो बैगन को ऐसे करके, और मुझे पता भी चल गया कि गंदा है कटा, कुछ खराब वराब तो नहीं है, तो अब ऐसे कट कर लेना। जो उसके बाद आगे का दिखाती हूँ कैसे करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे बैगन का मसाला, जिसमें मैं डालूँगी साबुत धनिया और सौंफ और जीरा। डालने के लिए तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैं काली मिर्ची अवॉइड करूँगी। डालूँगी मतलब 5-6 दाने भी नहीं, मतलब 2-3 दाने डालूँगी, और मतलब आप वैसे अगर देखा जाए तो 16-17 दाने डालने चाहिए, पर आज गर्मी ज़्यादा है इसकी वजह से मैं सिर्फ 5-6 दाने डालूँगी। चलिए बनाते हैं। ये जो मैंने बनाया है इसको अच्छे से भून लेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि मसालों को अक्सर लो फ्लेम में भूनना चाहिए, और एकदम जब एक अच्छा सा रूम आने लग जाएगा तो उसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और उसके बाद इसे वो करूँगी, पीस लूँगी फाइन पाउडर बना के। फाइन पाउडर मतलब थोड़ा दरदरा ही पीसना है, उतना भी पतला नहीं। मैं इसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काली मिर्ची डालना पड़ेगा, पर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इसीलिए अगर आप कभी सर्दी में बनाएंगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है, ये देखिए मतलब ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा दरदरा ही। तो गाइस आज ब्लॉग में बन रहे हैं भरवा बैगन, और ये डल रहे हैं आइटम, मसाला बन रहा है इसका, और मसाला जो भी डल रहा है अगर किसी को सच में लगेगी अच्छा बन रखा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मुझसे रेसिपी भी मांग सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने सारा मसाले बनाने के बाद बैगनों को अच्छे से धो के काट के उनको उसके अंदर मसाला भरना शुरू कर दिया है। पहले मैंने चम्मच से भरा है क्योंकि मुझे चम्मच से सही लग रहा था, मैंने सोचा जल्दी भर जाएंगे, तो चम्मच से आधा मसाला प्लेट पे गिर रहा था। तो उसके बाद प्लेट भर जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं मसाले को भरने के लिए हाथ का यूज़ कर लेती हूँ, सारा तो नीचे गिर रहा है चम्मच से, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे से बैगन थे और हम दो ही जने हैं, तो गुसाई जी और मैं, तो मैं उतनी ही सब्ज़ी बनाती हूँ कि हमारा बासी ना बचे। तो ये गुसाई जी बैगन को टिफ़िन में भी लंच में ले गए हैं, और मैंने इससे नाश्ता किया है, तो ये मैंने सारा भर दिया है। देखो मुँह बैगन का मुँह खुल गया है, तो उसका मतलब ये कि बैगन अच्छे से भर गया है। जब आप चार फांक काटेंगे बैगन की तो उसको अच्छे से दबा दबा के भरेगा, क्योंकि एक्सेस मसाला बाहर निकल जाएगा तो बैगन में मसाला ही नहीं बचेगा, तो मसाला बैगन का फ़ायदा ही क्या है। तो मसाले बैगन को मैंने अब हाथ से भर रही हूँ, और दबा दबा के भरेगा गाइस, ताकि आपका मसाला अच्छा से अंदर तक फिल रहे, और जब आप उसे फ्राई करें तो वो बहुत मतलब अंदर भी मसाला रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें शैलो फ्राई करती हूँ मैं, आप लोग डीप फ्राई करते होंगे। तो गाइस यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, पहले मुझसे बहुत ज़्यादा तेल गिर गया था तो मैंने तेल को कम कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल खाने के लिए हानिकारक होता है। इसी तेल में हम डीप फ्राई भी करेंगे, और इसी तेल में हम जो बच जाएगा उसमें हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। तो डीप फ्राई नहीं, सॉरी शैलो फ्राई कर रहे हैं हम। ये देखो ये बैगन है मेरे, और मैं इसके ऊपर का सारा जो भी मसाला है वो हटा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं हटेगा ना तो ये जल जाएंगे, और जल के ये टेस्टी भी नहीं लगेंगे। तो अच्छे से मसाला हटा कर बैगनों को मैं, ये देखो मैं सब हाथ से मसालों को अच्छे से हटाए जा रही हूँ, ये बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है अगर बैगन पे से मसाला जल जाए तो टेस्ट बहुत जला जला आता है। वैसे ही गुसाई जी कह रहे थे बैगनों को तलने के बाद जलने की बदबू आ रही है। तो गाइस हमारा तेल हो चुका है गरम, और अब हम इसमें डालेंगे बैगनों को अपने, और अच्छे से लो फ्लेम में पकाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम में जब भी जो कोई खाना बनता है ना वो अच्छे से पकता है, और अच्छे से पकने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कभी भी तेज़ गैस में खाना बनाएंगे ना तो देख लेना, खाने में ना कभी भी टेस्ट नहीं आता, खाना धीरे धीरे पकता है तो अच्छा बनता है। क्योंकि जब हम गांव में खाना खाते हैं तो खाना गांव में जो चूल्हे पे बनता है वो बहुत धीरे धीरे बनता है, तो उसमें टेस्ट बहुत होता है। तो ऐसे ही मैं इसको भी बहुत लो फ्लेम में पकाऊंगी, और लो फ्लेम में इसलिए भी पकाऊंगी क्योंकि ये जलने का भी डर रहता है, क्योंकि तेल बहुत कम है कढ़ाई में, ये डीप फ्राई नहीं हो रहे, शैलो फ्राई हो रहे, और मैं इसे स्टीम से पकाऊंगी कवर करके, और मतलब लो फ्लेम में कवर करके पकाऊंगी ताकि बैगन अंदर तक अच्छे से पक जाए।
बना देती हूँ ना, एक ही तरफ सीखेंगे और जल जाएंगे। इसे कर देते हैं इनको, बाप रे हाथ जल गया। इसे कर देते हैं इनको कवर, ऐसे ही उतारा उठ के आ गए। हाय बोलो, ये जा रहे ले अंदर, साले बाहर तो बोलते नहीं है, अंदर बोलते हैं ये लोग। अब देखना गाइस, तब मैं गेट खोल दूंगी ना, एक एक करके कितने मजे। तो गाइस ये देखिए, फाइनली यहाँ पर बैगन मेरे अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं और स्टीम से जो मैंने पकाए थे वो भी पक गए हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से पके हैं अंदर तक। और ये लोहे की कढ़ाई है इसलिए इसमें ये काला काला नज़र आ रहा है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हम कुछ भी पकाते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाता है। तो अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो गाइस आधे कपड़े सुखा दिए, आधे नाश्ता करने के बाद मैंने वीडियो सब्जी का पूरा नहीं बनाया, मतलब दिखता मुझसे मैंने दिखा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सुखा। देखो ये सुखा चुकी हूँ, वहाँ रखे हुए, फटाफट डाल देती हूँ। गाइस मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ। देखो ये आधे से ज़्यादा मैंने कपड़े पहले सुखा दिए थे, कुछ तो सूख गए हैं, कुछ मैंने उठा लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे सोफ़ा कवर भी डाल रही हूँ, क्योंकि बार बार छत में आने के बहुत गर्मी है, बार बार छत में आने का मन भी नहीं करेगा, तो मैंने सोचा एक बार में डाल देती हूँ। और एक कपड़ हो गया था कि मैंने जो कपड़े उठाए थे ना मैं ऊपर ही भूल गई थी उनको, तो फिर मुझे दोबारा आना ही पड़ा था उन्हें लेने का, तो मैंने सोचा इन्हें भी डाल ही आती हूँ। कि यार गर्मी इतनी हो रही है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बैगन का वो भी रेसिपी, अगर आपको पूरी चाहिए तो मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना दूँगी उस पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट इतनी गर्मी थी कि मैं बाद में ग्रेवी का वो बना ही नहीं पाई, क्योंकि गुसाई जी भी बोल रहे थे बहुत देर हो रही है जल्दी करो। तो लंच सुबह के टाइम में ना, लंच का टाइम होता है तो उनके लिए मतलब लंच तैयार करना होता है। और यहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया गाइस, तो इसीलिए अभी लो गाइस कपड़े उठा लिए। इतनी गंदी धूप हो रही है, पसीने से हालत ख़राब हो गई। तो ये है हमारी छत। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा।